प्रेमा भक्ति के बाद कई आगे वो स्टेशन है, तो वो अपनी साधना की बल से मिलता है या अपने गुरु का जो भी पोजीशन है वहां पहुंच जाता है? नहीं, दोनों बातें हैं इसमें। अगर आप निष्कामता कितनी है, भक्ति जब तुमने की है, भक्ति करने के बाद प्रेमा भक्ति तक पहुंचने के बाद अब तुम्हारी निष्कामता की जो स्टेज है, कितने परसेंट तुम निष्काम हो, उस आधार पर गुरु की कृपा होती जाएगी और गुरु कृपा से हम आगे बढ़ेंगे। बिना गुरु कृपा के तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। लेकिन हमको भी करना है। जब हमको ये सिखाया गया है कि परम निष्काम बनना, परम निष्काम का निष्कामता का अर्थ भी बताया गया कि अपने सुख के लिए कुछ ना किया जाए, हम जो कुछ करें प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के सुख के लिए ही करें, अपने सुख की भावना ही मन में ना आए, इसको प्रेम, निष्काम प्रेम कहते हैं। वो अभ्यास हमको अभी से डालना है। जब हमको भगवत प्राप्ति होगी, माया निवृत्ति होगी, उस समय निष्कामता की हमारी क्या स्टेज है उसके अनुसार हमको स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भावेश आदि भक्ति में जाना होगा। अगर हमारे अंदर निष्कामता नहीं है तो हम अनुराग भक्ति पे ही रुक जाएंगे, या बिल्कुल निष्कामता नहीं है, हम अपने सुख के लिए ही श्याम सुंदर को चाहते हैं, तो हम प्रेमा भक्ति पर ही रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं जा सकते। तो हमें अपने को निष्काम ये समझना है अच्छी प्रकार से कि हमको परम निष्काम बनना है, हमें कोई इच्छा नहीं करनी, अपने सुख के लिए भगवान से कोई कामना नहीं बनानी। हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान खुश हो रहे हैं? हम उनको खुश कर रहे हैं, वो अपने आप खुश होंगे। हमें तो ये भाव बनाना, देखिए अब जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई है तो हमें भगवान के रूप में गुरु मिलता है, हमें गुरु के ही सुख में सुखी रहकर ये अभ्यास डालना होता है, क्योंकि भगवान तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन उसके दो ही तरीके हैं, एक तो हम उनकी दिन रात मानसिक सेवा करें, राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करें, और सेवा करते हुए भाव बनाएं कि हम मानसिक सेवा करेंगे जितनी गहराई से तो हमें पता चलेगा, जब हम रूप ध्यान करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज वो बड़े प्रसन्न हैं, आज वो कुछ ज्यादा ये चीज उनको बहुत अच्छी लगी, ये चीज उन्हें कम अच्छी लगी, ये भाव के अनुसार वो हमें अनुभव देते हैं, वो देंगे, हमें उससे भी पता चलेगा कि वो प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उससे भी उतना प्रसन्न, वो तो हमारी भावना के अनुसार ही होता है। लेकिन मेन बात ये है कि हमको जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती हमें गुरु को ही प्रसन्न करना है, क्योंकि भागवत में स्पष्टता लिखा जिसको हम लोग रोज गाते हैं, आचार्य माम जानिया, कि तुम आचार्य को ये समझो कि मैं हूं, माम विजानिया मैं हूं, नाव मन्नेत करचित, कभी भी इससे कम मानो मत, तुने भगवान से कम मत मानो, और नमर्थ बुद्धिया सुये, कभी भी उनके अंदर मनुष्य बुद्धि मत लाओ, सर्वदेव मयो गुरु, क्योंकि जो गुरु है वो सब प्रकार से भगवत स्वरूप ही है। तो जब तक हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं होती हमें गुरु की इच्छा में इच्छा रखकर उसके हर आदेश निर्देश का पालन करने का अभ्यास करना पड़ेगा। वो प्रसन्न है तो समझो गुरु भगवान प्रसन्न है, वो अप्रसन्न है तो समझो भगवान अप्रसन्न है। हमें भगवत कृपा नहीं प्राप्त हो सकती क्योंकि गुरु ही भगवान है, जाना तो तुम ही रह जाएगी। ये सब सारा ही एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है एब्स्ट्रैक्ट है, तो थिंकिंग है, मेरी कैपेसिटी कुछ सोचने का अलग है, दूसरे की कैपेसिटी अलग है। जब हम भक्ति करते हैं वो लिमिट है, जब हम भक्ति करते हैं, और सब तो आप अपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हैं, कि जब भक्ति करते हैं उसकी पहली शर्त, शायद आपने प्रवचन जो इन दिनों में चले वो सुने नहीं, या सुने होंगे तो ध्यान से नहीं सुने, उसकी पहली शर्त यही है
कि हमको पहले गुरु की प्राप्ति हो जाए, रसिक संत की प्राप्ति हो जाए, और दूसरी शर्त ये है कि हम उनके हर आदेश निर्देश को मानकर चलें, फिर अपने कॉन्सेप्ट की बात नहीं रह जाती। अपने हिसाब से अगर हम चलेंगे तो गुरु करने की जरूरत क्या है, फिर तो अपने आप चलते रहो। जब चलना अपने हिसाब से तो गुरु की आवश्यकता ही क्या है, मत करो गुरु को, फिर तो तुम चलो अपने हिसाब से जैसे चलते हो, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है अपना करते रहो, फिर उससे जो मिलेगा वो पाते रहो। लेकिन अगर एक विशेष लक्ष्य है जिधर गुरु ले जाने वाला है, जो गुरु ले जाता है जहां पर, अगर वो लक्ष्य बनाया है तो गुरु की शरण में आना पड़ेगा, गुरु की हर बात माननी पड़ेगी। तो गुरु ने ही ये सिखाया है, फिलॉसफी दी है हमको ये, कि हम भगवान क्योंकि हमारे अंतःकरण में बैठे, उन्हें कहीं से आना जाना नहीं है, वो चूक नहीं सकते। हमने कुछ किया भगवान के लिए तो शायद भगवान जरा बिजी होंगे, राधिका जी से बात कर रहे होंगे या नृत्य कर रहे होंगे, बिजी होंगे, उन्होंने हमारी शायद सुनी नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो श्री राधा के साथ नृत्य भी वही भगवान कर रहे हैं, गोपियों के साथ विहार भी वही भगवान कर रहे हैं, और भक्तों के साथ और भी कुछ कर रहे हैं, और हमारे अंदर बैठ के हमारे एक एक पल एक एक आइडियाज को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। वो सर्वांतरयामी इसीलिए कहलाते हैं, सर्वांतरयामी, तो उनको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें तो जैसा गुरु आदेश देता है, क्योंकि वो हमको देख रहे हैं और हमारी भावना के अनुसार वो हमें फल देते हैं। अगर आप किसी मूर्ति की उपासना कर रहे हैं, मूर्ति में भगवान को मानकर उसकी उपासना कर रहे हैं, या कोई चित्र में भगवान को मानकर उसमें दिव्य भावना रखकर आप उसकी उपासना कर रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कि आज वो बड़े प्रसन्न है, आज वो मुस्कुरा रहे हैं, आज थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं, आज वो इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। ये आपको परिवर्तन उसमें दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि अंतःकरण में बैठे हुए भगवान वो सब देख रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं, और हमारी भावना के अनुसार हमें फल दे रहे हैं। अगर भगवान हमारी भावना के अनुसार फल ना दे, तो हम कितने भी भावना बनाया करें, भगवान की भक्ति किया करें, तो उसका फायदा क्या होगा। तो हमें गुरु जो है वो सहायता करता है, वो बताता है कि क्या करो। अब तुम यहाँ तक पहुंच गए जिसके आगे तुम्हें ये भक्ति करनी, अब तुम्हें यहाँ तक पहुंच गए इसके आगे ये भी करो, अब यहाँ तक आ गए इसके आगे ये भी करो, वो बताता जाता है। और हमें विश्वास पूर्वक तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि गुरु का लाभ तभी मिलेगा जबकि नंबर वन प्रणिपातेन, आप उनकी बुद्धि में बुद्धि जोड़ के, यानी शरणागत होकर जाओ, ये सोच के जाओ कि ये वास्तविक संत हैं और ये हमको ईश्वर प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि ये ईश्वर प्राप्त संत हैं। पहली बात तो ये, विश्वास नहीं है तो गुरु के पास जाने का कोई मतलब नहीं। नंबर दो परिप्रश्न, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा पूर्वक पूछे, उसको जानने के लिए, जो तुमको जिससे तुम्हें सहायता मिले आगे बढ़ने के लिए। प्रश्न को हमें केवल अपनी योग्यता दिखाने के लिए या बहस करने के लिए नहीं करना चाहिए, वो परिप्रश्न, वो उत्तम प्रश्न नहीं कहलाता। उत्तम प्रश्न वो है जो तुम्हारे मन में है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, जिसे तुम्हारे साधना में बाधा पहुंच रही है, मुश्किल आ रही है, वो प्रश्न करो। और प्रश्न करने का सार्थकत्व तब है जब उसको ध्यान से सुनो और फिर उसका पालन करो। अगर आपको उत्तर सुन के भी करना वही जो आप कर रहे हैं, प्रश्न के उत्तर को आपको समझना ही नहीं है, उसको पालन ही नहीं करना है, मन में वो हमने ठान रखा है हमें तो यही करना है, तो प्रश्न करने का तो कोई मतलब नहीं, फिर तो और परेशान करने वाली बात है कि आप प्रश्न करके गुरु को तंग भी करो और आपको पालन तो कुछ करना नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। हमें ठीक से प्रश्न भी करना है, उनके पास जाओ शरणागत होके प्रश्न करो, और फिर सेवा, जो सेवा वो चाहें, जो सेवा उस समय उन्हें चाहिए, अपनी इच्छा से सेवा नहीं। कि आप यहाँ वो आए तो आपने उनको बड़ा सा गिलास उसमें खूब बादाम मुरक्का डाल के दे दिया कि लीजिए पीजिए, वो कहते हैं भाई हमें नुकसान कर, कोई बात नहीं हम आपको दवा दे देंगे, ये सेवा नहीं। सेवा माने जिससे वो खुश हो, जो सेवा की प्रसन्नता के लिए काम किया जाता है उसको सेवा कहते हैं। जो अपने खुशी के लिए किया जाए वो तो अपनी सेवा हो गई। अगर हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं कोई भी सेवा, तो वो सेवा नहीं है, वो तो अपनी सेवा है, उनकी सेवा नहीं। तो ये तीन बातों को ध्यान में रख के हमें गुरु के पास जाना होता है। गुरु जैसा जैसा आदेश दे वैसे वैसे हमें साधना करनी,
जैसे जैसे हम साधना करेंगे हमारे अनुभव बढ़ेंगे, हमको फील होगा, पता चलेगा कि हमारी उन्नति हो रही है, हमारा प्रेम बढ़ रहा है, और फिर आपको तरह तरह के अनुभव होंगे, रूप ध्यान करते समय भी अनुभव होंगे और इसके अलावा भी अनुभव होंगे। स्टेज पर एकदम प्रारंभ में पहली कक्षा में हमने भी पैर भरा है और हमको एकदम हाई दर्जे के एक्सपीरियंस नहीं हो जाएंगे, हमें तो खाली विश्वास, गुरु के वचन प्रतीति न जेही सपने हो सुख सिद्धि सुलभ न ते, गुरु बिन होई कि ज्ञान, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता, और गुरु के वचनों पर बिना विश्वास किए, अरे हम संसार में भी जब हम प्रारंभ करते हैं अपनी एजुकेशन को तो हमें गुरु पे 100% विश्वास करना पड़ता है। वो कहता है ए ऐसे लिखो, तो हम बहस नहीं करते कि ये तीन लकीरें ऐसे ही क्यों खींची जाए, हम एक लकीर ऐसे, एक लकीर वैसे, एक लकीर ऐसे क्यों ना खींचते, ये एक आप लिखवा रहे हैं हमसे वन, ये वन ऐसा ही क्यों लिखा जाए, क्यों लिखा जा रहा है ऐसा, हमें सिद्ध करिए पहले, तो हम ABCD भी नहीं सीख सकते। सीखने के लिए प्रारंभ में तो हमें गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना पड़ता है, धीरे धीरे हमें अनुभव द्वारा उसकी सत्यता की प्रतीति होती जाती है और हमारी अपने आप श्रद्धा बढ़ती जाती है, जितने जितने हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है उतनी उतनी और गुरु कृपा होती जाती है, उतना उतना और ज्ञान हमको अपने आप होता चला जाता है। हम ये नहीं सोचेंगे गुरु जी, हमने तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया, हमें कैसा पता चला प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, आप गुरु को करिए पहले, वो आपको दिख रहे हैं उनसे करिए, क्योंकि भगवान को आपको पता ही नहीं कि वो प्रसन्न कैसे होंगे, जब तक आप गुरु की बात मानेंगे नहीं आपको पता भी कैसे चलेगा कि वो प्रसन्न कैसे होंगे, आप जो भी मर्जी आया करते रहे उससे तो वो प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, उनको प्रसन्न करने का क्या तरीका है, क्या भावना है, कैसे हमें करना है, वो सब हमें जानना पड़ेगा, उसके हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा।